नमस्कार दोस्तों, संस्कार इंग्लिश यूट्यूब चैनल में अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी मनोबल ऊंचा होता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो और जो मैं काम कर रहा हूँ वो बढ़िया कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या पढ़ना है हम लोग को। आज की वीडियो में हम लोग आपको बता रहे हैं 12th क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चंस। ये पूछा जाता है कभी कि 5 इंडियन नोवेलिस्ट का नाम लिख दो, 5 इंडियन राइटर का नाम लिख दो, 5 इंडियन पोएट का, 5 ब्रिटिश का या 5 अमेरिकन का, ऐसा कुछ भी दे सकता है। लेकिन मैं एक साधारण सा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इंडियन पोएट राइटर या नोवेलिस्ट देने के लिए आए तो। हालांकि ब्रिटिश के लिए अमेरिकन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँ, वो भी आप देख सकते हो। तो सिर्फ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन के लिए। तो हम बात कर रहे हैं 5 इंडियन नोवेलिस्ट, अर्थात 5 इंडियन नोवेलिस्ट जो जिन्होंने नोवेल लिखा हो। तो नोवेल लिखने वाले नोवेलिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिक बनाया है, हालांकि एक चीज आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जिन 5 नोवेलिस्ट का नाम लिखा है सिर्फ वही 5 नोवेलिस्ट हैं भारत में, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं 5 का बताया जो कि आसान है ट्रिक के माध्यम से, जिन्हें याद रखा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है। नारायण ने आनंद और विक्रम को, नारायण ने आनंद एवं विक्रम को अरुंधति का राजा बनाया। ये क्या है, ये आसान है याद रखना। नारायण ने आनंद और विक्रम को अरुंधति का राजा बनाया। तो देखते हैं नारायण से क्या है। नारायण आर के नारायण, आनंद अर्थात मुल्क राज आनंद, विक्रम अर्थात विक्रम सेठ, अरुंधति अर्थात अरुंधति राय, राजा अर्थात राजा राव। नोवेल और राइटर के नाम का जो नोवेल लिखे हैं, जो बुक लिखे हैं, वो जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में आपने देखा होगा कि आर के नारायण ने भी कुछ किताबें लिखी हैं। मुल्क राज आनंद कूली और अनटचेबल लिखा था, विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट लिखा हुआ, अरुंधति राय का वो द गॉड ऑफ ऑल थिंग्स, राजा राव का भी कांधा पूरा लिखा हुआ है जो नोवेल है। तो इस तरह से 5 इंडियन नोवेलिस्ट हुए, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, विक्रम सेठ, अरुंधति राय एवं राजा राव। आगे चलते हैं अगली हम लोग जो ट्रिक है 5 इंडियन पोएट के लिए। पोएट के लिए क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि पोएट और नोवेलिस्ट में गड़बड़ हो जाएगा कि किसका कौन सा ट्रिक है। तो नोवेलिस्ट ना से, नारायण भी ना से। अब 5 इंडियन पोएट पे आते हैं तो क्या है, कमला और सरोजनी ने टैगोर को दारू वाला घोषित किया। तो इससे क्या है, कमला से कमला दास, सरोजनी से सरोजनी नायडू, टैगोर अर्थात आर एन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, दारू वाला अर्थात केकेएन दारू वाला घोषित किया, घोष अर्थात काशी प्रसाद घोष। तो ये 5 इंडियन पोएट हुए। पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि यही 5 पोएट और नोवेलिस्ट हैं, और भी हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से मैं इन 5 को बताया हूँ। अगर 5 ही आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर भी है और 5 पूछा भी जाता है। इसके बाद कंफ्यूजन के लिए कैसा भी आता है दोस्तों कि 5 इंडियन राइटर का नाम लिखने के लिए बोल देगा। तो याद रखेंगे, जब इंडियन राइटर की बात करें तो याद रखेंगे हमेशा आप लोग, जहां भी अगर आपको राइटर बोलेगा तो आप उसमें नोवेलिस्ट और प्लस में पोएट, अर्थात जो पोएट होते हैं वो भी राइटर की श्रेणी में है, नोवेलिस्ट है वो भी राइटर की श्रेणी में है। तो आप यहाँ से 5 कोई 2-3 नोवेलिस्ट या कोई 2-3 पोएट दोनों में से मिला करके लिख सकते हो, तो इस तरह से राइटर का नाम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे 5 इंडियन नोवेलिस्ट, राइटर और पोएट का नाम लिखना, और अगले सिटीजन का जो राइटर होगा, पोएट होगा या फिर नोवेलिस्ट होगा, हम लोग अगले वीडियो में देखते रहेंगे। थैंक यू।